Our new topic of discussion is temperature. इसका अगर बेसिक आइडिया लगाएं टेम्परेचर का, तो अगर हम हॉट डेज़ की बात करें, गर्मी के दिनों की, हमें पता है कि वी वियर लेस क्लॉथ्स, वी ड्रिंक मोर कोल्ड वाटर या कोल्ड फ्लूइड्स हम कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाटर। नंबर दो भी अगर हम बात करें कोल्ड डेज की, तो उसमें क्या होता है, हम वी वियर मोर क्लोथ्स, वी ड्रिंक हॉट लिक्विड लाइक टी, कॉफी एटसेट्रा। ये किस फिनोमिना को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा करते हैं जैसे ही मौसम बदलता है? टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये सब किस लिए करते हैं हम? अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ताकि वो नॉर्मल रहे। तो सबसे पहले हम अगर टेम्परेचर के कंसेप्ट को हम एनालाइज करना शुरू करें, तो टेम्परेचर है क्या चीज? इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसकी मेजरमेंट हम टेम्परेचर के एस्पेक्ट से करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में लर्न करेंगे कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर और टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होते हैं बॉडीज पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। वी विल कम टू इन डिटेल डिस्कशन अबाउट दैट लेटर ऑन। इसके साथ ही एक इफेक्ट है हीट। अगर अपने पास दो बॉडीज हैं, लेट अस सपोज दिस इज बॉडी वन एंड दिस इज बॉडी टू, तो जो हीट है ना, हीट रेफर्स टू द एनर्जी ट्रांसफर कॉज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2, और ये दोनों जो बॉडीज हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, लेट अस सपोज इनको हम कॉन्टेक्ट में ले आए एक दूसरे के, तो हीट की डेफिनेशन क्या आएगी? इट रेफर्स टू एनर्जी ट्रांसफर कॉज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस एंड अभी हम थोड़ा स्टडी भी करेंगे कि ये कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई, कैसे कैलकुलेट करना है। और अभी जो फ़िलहाल में हम ये जो स्टडी करेंगे टेम्परेचर की, ये हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर करेंगे। मैक्रोस्कोपिक बोले तो बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमन बॉडी, सिलेंडर ऑफ गैस, इन सब एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम एक कंसेप्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम
थर्मम मीन्स हीट, हमें पता ही है। या हॉट या टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब कोई बॉडी हॉट है एक्चुअली, थर्मल ड्यू टू हॉटनेस। किसी बॉडी का टेम्परेचर हमने मेज़र करना है तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल टर्म्स चाहिए जो हमें ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए अपने पास दो, ये अपने पास पोजीशंस हैं ए और बी, तो इनके लिए हम क्या चाहिए, एक मीटर टेप। मीटर टेप में भी क्या होता है, एक ज़ीरो, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4, ऐसे सो ऑन, जितना भी होगा उसी हिसाब से किलोमीटर में हम मेज़र कर लेते हैं, फिर मीटर में, डिपेंडिंग अपॉन दी अवर कन्वीनियंस। तो ऐसी टेम्परेचर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है और जिस ऑब्जेक्ट से मेज़र करना है, जिस ऑब्जेक्ट से मेज़र करना है हमें उसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टी नोटिस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे अपने पास ऐसे थर्मामीटर होते हैं शुरू में जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ तक कुछ होता है, हमने अक्सर देखा है, इसको हम बोल देते हैं ज़ीरो लेवल। और जैसे ही इस थर्मामीटर को हम किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं ये जो मरकरी का लेवल है ये इंक्रीज करने लग जाता है। मान लीजिए यहाँ आके रुक गया, जब यहाँ आकर मान लीजिए ये एल लेंथ ऊपर चला गया, ये मरकरी का लेवल, ये मरकरी का लेवल एल लेंथ ऊपर कब गया और क्यों गया, क्योंकि ये जो थर्मामीटर था वी केप्ट इट इन कॉन्टैक्ट विद हॉट बॉडी। अब जितना ये थर्मोमीटर ऊपर जाएगा, थर्मोमीटर ऊपर जाने का मतलब इसमें जो मरकरी का लेवल है वो जो ऊपर जाएगा उसी हिसाब से कहेंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो इसमें हमने जो मरकरी है इसके अंदर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका वॉल्यूम क्या करता रहा, इंक्रीज करता रहा, और ये वॉल्यूम एक्सपेंड करके जहाँ जाके ये स्टेबल हो गया हमने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक रीडिंग ले ली, तो हमने कहा कि इतना इस बॉडी का टेम्परेचर है। और टेम्परेचर का बेसिक हमने क्या लिया, एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मरकरी। इसी तरह दूसरे टाइप में हम यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करके कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है। ये अपने पास एक गैस सिलेंडर है, इसमें हमने गैस रखी हुई है, गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये अपने पास मीटर है जो रीडिंग देगा, ये जो सुई है ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, कब, किस प्रिंसिपल के बाद, प्रेशर पी चेंजेस एज गैस बिकम्स हॉटर और कोल्डर। इनिशियली मान लीजिए थर्मोमीटर यहाँ पे था, सॉरी ये जो अपना गैस सिलेंडर है, ये जो मीटर है इसका, ये ज़ीरो रीडिंग पे था लेट अस सपोज, लेकिन जैसे ही इसको कॉन्टैक्टेड विद हॉट बॉडी, तो ये जो मीटर है ना इसकी सुई जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगी और हमें कोई रीडिंग मिली प्रेशर की, कुछ नई रीडिंग। तो उस प्रेशर की रीडिंग कितनी आई उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कि जो बॉडी है उसका कितना टेम्परेचर है।
नेक्स्ट जो टर्म है अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए अपने पास इस बीकर में लिक्विड है और अभी जो थर्मामीटर है आउटसाइड है से बाहर, थर्मामीटर इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद दिस लिक्विड और अभी ये अपने जीरो लेवल पे है। यहाँ हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसी थर्मामीटर को इस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में लेके आए और इसको ऐसे इसमें रख दिया। ये इसका जीरो लेवल था। हमने क्या नोटिस किया कि जो लेवल है इसका ये ऊपर की तरफ जाने लग गया और यहाँ आके ये स्टेबल हो गया, ये एल लेंथ ऊपर चला गया मर्करी का लेवल, और एल लेंथ ऊपर जाने के बाद ये स्टेबल हो गया, कोई इसका लेवल और ऊपर नहीं जा रहा, लेंथ में कोई और इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो थर्मोमीटर है और जो अपने पास लिक्विड है दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो चुका है, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि थर्मोमीटर एंड लिक्विड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों ही क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो फर्दर चेंज इन द सिस्टम। नेक्स्ट अपने पास है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होता है, इट इज ए मटेरियल विच परमिट्स no interaction at all between two systems। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए ये अपने पास एक बॉक्स है और इसका जो आउटर बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई है और इसमें मान लीजिए हमने हॉट वाटर डाल रखा है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि जो बाहर एनवायरनमेंट है उसका इस हॉट वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वाटर हॉट है तो हॉट रहेगा, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे हम घरों में देखते हैं चाय गर्म रखने वाली केतली, उसमें एक बार चाय बना के रख दो और अपना आराम से एक घंटे बाद पी लो, दो घंटे बाद, तो वो गर्म रहती है। तो वो जिस मटेरियल की बनी हुई है दैट इज़ इंसुलेटिंग मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद टी एंड एनवायरनमेंट।